अपने हाथों को उठाएं, बोले मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए। आज एक वर्ड जो होली स्पिरिट मुझे दे रहा है, अभिषेक, अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग। बोलो बोलो बोलो, मुझे अभिषेक चाहिए। खास करके जो बोने वाले लोग हैं वो मसा को खींचते हैं। अपने हाथों को उठाओ सब जन, सब जन अपने हाथों को उठाओ। बोलो मुझे अभिषेक चाहिए, अभिषेक के बिना मेरी हीलिंग पॉसिबल नहीं है। बोलो अभिषेक के बिना मेरे बंधन नहीं टूट सकते, जेनरेशन कर्ज नहीं टूट सकते, पीढ़ियों के श्राप नहीं टूट सकते, बाप दादों से जो चीजें मेरा पीछा करती आई है वो मुझे नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे अभिषेक चाहिए। बोलो यहोवा मुझे अभिषेक कर, हे प्रभु यीशु नासरी मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक कर, मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक कर। ग्रहण करो अभिषेक यीशु के नाम। मैंने कहा ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। आमीन बोलो, रिसीव करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। रिसीव 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 रिसीव। मैं उस हजूरी के साथ, जिस हजूरी के साथ आपके बीच में आया हूं, मैं आपको अभिषेक करता हूं, मैं आपको अभिषेक करता हूं हीलिंग लेने के लिए, मैं आपको अभिषेक करता हूं शैतान से लड़ने के लिए और जीतने के लिए, मैं आपको अभिषेक करता हूं दुष्ट आत्मा को अपने जीवन से परिवार से निकालने के लिए, मैं आपको अभिषेक करता हूं प्रार्थना के आत्मा के साथ। जो लोग प्रार्थना का आत्मा खो चुके हैं, प्रभु ने बार बार बोला प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, आपने नहीं की और अब आप जोर लगा रहे और प्रेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने प्रार्थना का अनुग्रह करुणा आत्मा खो दी है। पर अभिषेक जो आपने खोया हुआ है सब कुछ वापस लेकर आता है, सब कुछ वापस लेकर आता है। रिसीव करो प्रार्थना का आत्मा यीशु के नाम में, रिसीव करो प्रार्थना करने का आत्मा, रिसीव। आमीन। ऊंचा तो मसा बड़ा, रिसीव रिसीव। उशबले दनमासो। एक मिनट अन्य भाषा में प्रेयर करो नॉन स्टॉप, नाउ स्टार्ट नाउ, ऊंची आवाज के साथ। आपकी पूरी चर्च की आवाज मुझे आनी चाहिए ताकि मुझे पता चले आप गुस्से में, स्पिरिचुअल गुस्से में। अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आपका टाइम है अन्य भाषा में प्रेयर करने का और रिसीव करने का अनॉइंटिंग को। जो अन्य भाषा में प्रेयर करता है वो मसा को रिसीव करता है। रिसीव करो यूथ, आपको मसा चाहिए पाप से छूटने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। यूथ भाई बहने रिसीव करो मसा को। ये मसा आपकी लाइफ में आपको स्टैंड करेगा। रिसीव करो यूथ भाई बहनों, रिसीव करो मसा को। प्रभु नौजवानों को चुनता है अपनी महिमा को दिखाने के लिए। आज प्रभु यूथ को अभिषेक कर रहा है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। किसी के ऊपर तो उतर रहा है अभिषेक जो आज बदल जाएगा सब कुछ उसके जीवन में। रिसीव करो ना, बोलो अन्य भाषा। यस यस, अन्य भाषा में आप समझ चुके हैं कि अनॉइंटिंग यहां पर मौजूद है। चर्च को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किस स्पर्श के साथ आया हूं आपके बीच में, आप उसे महसूस कर रहे हैं इस समय। रियो दो नम प्राबा लो रो बा सिखा रामा सुखो रे बे हिसा लबला खुत नमा सबा लिख रो तो नमा से बिरेखा रे बा लबा सुम नमा दर रे बे 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 होत नमा से लिखा नाम सुपर रखा लबा बाबा 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 लिब्रो मामा बाबा 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 लिखो लबा से निमासी निमियो तो नामा निया तो रमाते लिखरियो तो नामा सब रखी हो तो लब्रा मना गुरियो सबर रेखा शेला ला लबा लिब्रो ब्रो तो नम्बा बाबा बाबा करो ने वाशा में प्रे राइट नाउ। कोई भी आंख खोली ना हो, मैं आपको प्रार्थना करता हूं, देखना चाहता हूं।
और मैं देख रहा हूं इस समय आत्मा में कि मसा आपके ऊपर उतर रहे, अभिषेक आपके ऊपर उतर रहे। ये अभिषेक आपको टेस्टिमनी देगा, ये अभिषेक आपको बेबी ब्लेसिंग देगा, ये अभिषेक आपको हील करेगा, ये अभिषेक शैतान को भगा देगा। और मैं देख रहा हूं आत्मा में कि अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। रिसीव करो, ब्लेंड योर अलर्ट हो जाओ क्योंकि लोगों के ऊपर मसा आ रहा है। रिसीव करो राइट नाउ, रिसीव करो, क्योंकि जे समय लास्ट हीलिंग प्रेयर में आपको नहीं मिलने वाला मसा रिसीव करने का, जे टाइम अब है और आपको रिसीव करना है। इसे करो जूत सभी अन्य निवास में प्रार्थना करो। जीसस, एक जन को परमेश्वर छू रहा है जिनके नाक में एलर्जी रहती है, नाक में, मैंने चाहता वो नाक में क्या हो रहा है, आपको एलर्जी है कुछ, नाक में कोई बीमारी है आपके नाक में, और वो एलर्जी टाइप कुछ ऐसी है जिसके कारण आप बहुत परेशान है, आपके नाक में वो हील कर रहा है यहोवा राइट नाउ, वो हीलिंग हो रही है राइट नाउ। रिसीव करो अपनी हीलिंग को, रिसीव करो, आप मौजूद है यहां पर, रिसीव करो ऑनलाइन, रिसीव शाबारी खो दो माता नमस्ता। मैं ऐसी व्यक्तियों को देख रहा हूं जिन्हें दुष्ट आत्माएं दिखती हैं, जिन्हें शैतान दुष्ट आत्माएं दिखती हैं, केवल सपने में नहीं, जहां ऐसे डराते नहीं, उन्हें डर महसूस होता है उनका, वो पीछा करते उन्हें दिखती हैं, और आपके ऊपर अभिषेक उतर रहा है। आप फ्री हो रहे हो स्पिरिट से, आप फ्री हो रहे हो स्पिरिट से, आप फ्री हो रहे हो स्पिरिट से राइट नाउ। रिसीव करो यहां भी हो, जहां भी हो, मैंने कहा रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। जो जूत प्रभु के लिए भूखा है वो तृप्त किया जाएगा, जो लोग भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वह जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अपने आप को नम्र करो यहोवा के सामने, वो दीन और नम्र लोगों की प्रार्थना को सुनता है, नम्र लोगों को वो ऊंचा करता है, नम्र लोगों को वो अभिषेक करता है। आप देखेंगे जो भी अनॉइंटेड मैन है वो हम्बलनेस में, वो नम्रता में है। अगर आप हम्बलनेस में, नम्रता में, तो अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, तो मसा आपके ऊपर आ रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। मैं इस जूत को देख रहा हूं। अगर आपका स्पिरिचुअल फादर ब्लेस है तो आप ब्लेस हैं। मैं ऐसे जूत को देख रहा हूं जिनके मैरिज के डोर ओपन होने जा रहे हैं। ये मसा आपके लिए डोर्स को खोल रहा है, ये मसा आपके बंधनों को तोड़ रहा है जो शैतान के कारण है। मैं देख रहा हूं आपकी मैरिज के पीछे एक स्पिरिट है जो डिले कर रही है, देरी कर रही है, और ये मसा उस स्पिरिट को निकाल रहा है आपके जीवन से। मैं ऐसे लोगों को आज फ्री होते हुए देख रहा हूं जो जनरेशन कर्ज के नीचे, जो बीमारियां बाप दादाओं से आपके पीछा कर रही, उन लोगों को प्रभु इस समय फ्री करने जा रहा है। अपनी लाइफ को परखो, क्या कुछ ऐसा है जो आपके दादा दादी के जीवन में था, आपके मम्मी पापा के जीवन में था, और आपके जीवन में भी वो चीज है, आपके परिवार में वो चीज थी और आपकी चीज, वो चीज आपके लाइफ में भी है। एक दिन जब मैं नया मसीह में था, मेरी बॉडी पर एक दाग था, एक दद्दी जैसा कुछ था, मैं उस पर ट्यूब यूज करता था मेडिकली, एक साल, दो साल, तीन साल। पर जब मैंने प्रभु में आके एक चीज को समझा कि जनरेशन्स कर्स, पीढ़ियों की चीजें हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है, तो मैंने देखा कि मेरे एक ऐसे शब्द बोलने के बाद, उसके बाद कभी मुझे उस मेडिसिन को, ट्यूब को यूज करना ना पड़ा, और वो एलर्जी, वो दर्दी वहां से गायब हो चुकी थी।
और दोबारा वो कभी नहीं आएगी। आपको समझना है इस प्रेयर को, अगर आप रियल तरीके से प्रेयर करते हैं, अंदर से भर के प्रेयर करते हैं, तो सचमुच आप अपने मिरेकल्स को रिसीव करते हैं। अगर आप इस टेस्टिमनी को समझ चुके हैं तो मैं घोषणा करता हूं, जो बाप दादों से आपकी चीजें पीछा कर रही है, आप उसका हिस्सा नहीं होंगे यीशु के नाम में। बोलो मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। बोलो मेरा डीएनए चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। बोलो क्योंकि हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं। बोलो हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं, इसलिए जो बाप दादों से चीजें चल रही हैं, अगर आपके बाप दादे गरीबी में रहे, आप भी गरीबी में रह रहे हैं, पर आपको घोषणा करनी होगी आज कि मेरा डीएनए चेंज हो चुका है, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ, इसलिए गरीबी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। घोषणा करो, तोड़ो इस शराब को, तोड़ो। प्रभु ने कहा, जो तेरे बाप दादों ने खोया, तेरे माता पिता ने जो प्राप्त नहीं किया, वो तुम प्राप्त करोगे। जो चीजें आपके माता पिता चाहते थे कि हमारा घर बने, हमारा ये हो, वो हो, ऐसा हो, उस शब्दों को आप पूरा करेंगे, मैं भविष्यवाणी देता हूं। जो इच्छा आपके माता पिता की थी, उस इच्छा को आप पूरा करेंगे। जूत रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। जैसी लाइफ आप देखना चाहते थे, मैं आपके बच्चों को मसा करता हूं, उनके द्वारा वो देखने पाएंगे आप यीशु के नाम में। मैं आपको अमीर होने के लिए ब्लेस करता हूं, आत्मिक तौर पर अमीर होने के लिए ब्लेस करता हूं। ऐसी बीमारियां जिसका आपकी फैमिली सामना करती आई है, और आप भी सेम बीमारी का सामना कर रहे हैं, बोलो मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मेरा डीएनए चेंज हो चुका है, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। इस वचन के अनुसार मैं उस बीमारी के बंधन को जो मेरी फैमिली से मुझे मिला है, बोलो मैं तोड़ता हूं, तोड़ती हूं। फायर को रिलीज करो, आई रिलीज फायर, ब्रेक एवरी चेन, ब्रेक एवरी चेन, ब्रेक एवरी चेन, ब्रेक, 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 ब्रेक। तोड़ो उसे यीशु के नाम में, तोड़ो न्यूजीलैंड ब्रांच, तोड़ो इटली ब्रेक, तोड़ो, तोड़ो पार्टनर्स, तोड़ो ऑनलाइन व्यूअर, तोड़ो उस ब्रेक को, बंधन को, उस चेन को, उस संकल को तोड़ो। मैं ऐसे लोगों को यहां पर देख रहा हूं जिनके बीच में से दुष्ट आत्मा परिवार के एक मेंबर से निकलती है तो दूसरे को पकड़ लेती है, पर आज मैं होली गोस्ट फायर के साथ, परमेश्वर के अभिषेक के साथ, उस दुष्ट आत्मा को बोलता, मेरी आवाज सुन, टुडे योर लास्ट डे, आज तेरा आखिरी दिन है पूरे परिवार से, आज तेरा लास्ट डे परिवार से, होली गोस्ट रिसीव करो फायर को अपने फैमिली के ऊपर और छुटकारे को। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। ओ पा 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 रुका मसा, 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 तू पवित्र दे दे मसा मुझको, 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 खुदावंद मेरे खुदा मुझको, है खुदावंद रिसीव करो नाइटिंग को इस वर्षिप में। रुका मसा, रुका मसा, रुका मसा, रुका मसा, तूने अंधों को आंखें दी है, तूने अंधों को आंखें दी है, तूने अंधों को आंखें दी है,
आपको भी देगा। हर रोगी को तूने शिफा दी, वो आपको भी देगा। हर रोगी को तूने शिफा दी, हर रोगी को तूने शिफा दी है, हर रोगी को तूने शिफा दी है। बंधनों से कर दूर हो, टूट जाओ हर बंधन, जो मांग रहे हो आजाद हो जाओ, पीढ़ियों के बंधनों से आजाद कर दो प्रभु, बंधनों से कर दूर हो मुझको ऐ खुदा। बंद मेरे तू साथ में जा रही है आपके परिवार से, तू साथ में जा रही है, तू साथ में जा रही है आपके घर से आपकी फैमिली से। बंधनों से कर दूर हो मुझको, बंधनों से कर दूर हो, जो वर्षिप दिल से कर रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं, छूट रहे बंधनों से, जनरेशन से पीढ़ियों के बंधनों से आजाद हो रहे हैं। बंधनों से कर दूर हो मुझको ऐ खुदा, बंद मेरे ऐ खुदावंद मेरे खुदा मुझको, 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 ऐ खुदावंद मेरे खुदा। आजाद हो जाओ, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए बंधन, टूट जाए दुष्ट आत्माओं, निकल जाओ बंधनों, टूट जाओ बंधनों, टूट जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, टूट जाओ, टूट जाओ, टूट जाओ, टूट जाओ, टूट जाओ, टूट जाओ, टूट जाओ। आग, 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 fire, 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 ब्रो हर बंधन के ऊपर fire, हर जनरेशन कर्ज के ऊपर fire, बोलो वो शुक्र जो पीढ़ियों से चलती आ रही है वो मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं बपतिस्मा ले चुका हूं, ले चुकी हूं, वो मेरा हिस्सा नहीं है, वो शुगर की बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। फिर से बोलो, क्योंकि मैं यीशु से पैदा हुआ हूं और यीशु मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है, यीशु अधूरा काम नहीं करता, यीशु बंधनों से आजाद करता है। विश्वास से बोलो, क्योंकि आज वो खत्म हो रही है एक ही नहीं बहुत के जीवनों से। आप देखेंगे ऐसे लोगों की गवाही को जो फ्री हो रहे इस समय राइट नाउ, जीसस। वो फाइट जो आपको अपनी फैमिली से मिली हुई है, गलत रिश्ता चॉइस करने से मिली हुई है, गलत फैसला लेने से मिली हुई है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, आपकी अपनी गलती के कारण आप संघर्ष कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। अगर आप पश्चाताप करें, प्रभु मेरा फैसला वो गलत था जिसके कारण मैं फाइट कर रहा हूं, कर रही हूं, तो यहोवा आपको क्षमा करेगा और आपको आज उस फाइट से वो आजाद कर रहा है। यीशु नाम में रिसीव करो, रिसीव करो। एक लेडी को होली स्पिरिट श्योर है, आपकी बॉडी पे काले काले दाग है और प्रभु का आत्मा समय आपको श्योर है, रिसीव, रिसीव योर टेस्टिमनी, रिसीव। बोलो हम प्रार्थना पर भरोसा करते हैं कि प्रार्थना ग्रहण करने से वो काम हो सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। बोलो हम भरोसा करते हैं इस चीज पर, हम
हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। चर्च बोले आमीन, चर्च बोले आमीन, चर्च बोले आमीन।